देख रहे हैं वीके न्यूज। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में अब चंद ही दिनों का समय बचा है। तारीखें बेहद नजदीक हैं और अब सभी श्रद्धालुओं की नजर राम मंदिर के भव्य आयोजन पर टिकी है। साल 2024 में बनने वाला राम मंदिर बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत के समान है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं और राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो चली है। दोनों ही प्रमुख पार्टियों के बीच सियासत का दौर शुरू हो चुका है। किसकी जीत होगी, बीजेपी या कांग्रेस या अन्य, किसकी जीत होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जिस मुद्दे पर सियासी चर्चा तेज है वो मुद्दा है राम मंदिर। जब से राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए तारीखों का ऐलान हो चला है तब से ही विपक्षी खेमा गरमाया हुआ है। कांग्रेस, जेडीयू, एआईएमआईएम जैसी पार्टियां राम मंदिर को राजनीति का मुद्दा बना चुकी हैं। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में कांग्रेस के ना जाने का निर्णय अब तूल पकड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार भी किया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी का नाम शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आखिर क्यों इनकार किया है, इसके पीछे की आखिर वजह क्या है, क्या इसके पीछे कुछ इतिहास है। शुरुआत से आप पहले पूरा मामला समझिए। दरअसल साल 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते ही बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे। हालांकि कांग्रेस कहती है कि राजीव गांधी को इस बात की भनक भी नहीं थी। इसके बाद बीजेपी को रोकने की कोशिश में राजीव गांधी ने ही विश्व हिंदू परिषद को अयोध्या में शिलान्यास की इजाजत दी थी। 1991 में कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को ढाए बिना अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर बनवाने का वादा किया था। लेकिन साल भर बाद ही जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया तब भी कांग्रेस की ही सरकार सत्ता में थी। लेकिन राजीव गांधी के पास उस समय इस बात का कोई जवाब नहीं था कि आखिर बाबरी को क्यों ढाया गया था। दरअसल कांग्रेस खुद को इस पूरे मुद्दे से जोड़ना ही नहीं चाहती है और कहीं ना कहीं इसकी सियासी वजह यह है कि राम मंदिर एक तरह से संघ परिवार का आंदोलन रहा है। कांग्रेस का खुद भी यही कहना है कि उसके नेता इसीलिए अयोध्या नहीं जा रहे क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन बीजेपी आरएसएस का एक राजनीतिक इवेंट है जो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। जब से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की बात शुरू हुई है तब से ही कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि राम मंदिर उनके लिए लोकसभा का एक कार्ड प्ले है। कांग्रेसियों का कहना है उसके नेताओं को कार्यक्रम का न्योता भेजा जाना एक सियासी दांव था कि पार्टी को स्टैंड लेने पर मजबूर किया जाए। बीजेपी इस फैसले का चुनावी इस्तेमाल कांग्रेस को एंटी हिंदू पार्टी बताकर करेगी। कुछ साल पहले सोनिया गांधी ने माना था कि बीजेपी ने लोगों को यह भरोसा दिला दिया है कि कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम पार्टी है। हालांकि अब जब इतने सालों की मेहनत के बाद और एक लंबे अरसे के बाद अब जब राम मंदिर का उद्घाटन समारोह होने जा रहा है तब कांग्रेस में सियासी घमासान मच रखा है और बिना किसी मुद्दे के राजनीति के लिए ही उन्होंने राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर और कहें कि आखिर कांग्रेस राम मंदिर के इतने भव्य समारोह में नहीं जा रही है, अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि आखिर ये मामला राजीव गांधी के जब वो प्रधानमंत्री थे उस मामले से जुड़ा है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।